नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान। INN 24 परिवार की ओर से मसीह समाज के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि का संचार करे, यही हमारी कामना है। आइए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। बिहार के समस्तीपुर में मुखिया की गोली मारकर हत्या, दूसरे मामले में एक जख्मी, पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। जनप्रकाश फाउंडेशन ने लिया टीबी मुफ्त झारखंड का संकल्प, गिरिडीह में आयोजित हुई बैठक, जनवरी में शिविर की शुरुआत। और झारखंड में शुरू नहीं हो सकी धान की खरीदी, बिचौलियों की हुई चांदी, औने पौने दामों में धान बेचने को मजबूर किसान। झारखंड के जामताड़ा में अभी भी सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी नहीं शुरू हुई है, जिससे किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर है। किसानों का धान बिचौलिए खरीद रहे हैं और जामताड़ा का धान पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। किसानों को लागत भाव नहीं मिल रहा है। जिले में धान पिटाई के बाद किसान सीधे बिचौलियों के यहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ उनको धान की कीमत नहीं मिल रही है। यहाँ के धान को बंगाल और बिहार के चावल मिलों में भेजा जा रहा है, जहाँ प्रोसेसिंग के बाद चावल बनकर ऊंची दर पर झारखंड के बाजार में आ रहा है। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वृंदा करात ने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए झारखंड सरकार के पास कोई योजना नहीं है, जिसका नतीजा है कि किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। हालांकि अधिकारी का कहना है कि धान में नमी होने के कारण खरीदारी में विलम्ब हो रही है। यहाँ पर कोई अभी कोई पंचायत अभी हमको लग रहा है जामताड़ा जिला में कहीं में नहीं ले रहा, कहीं पर नहीं ले रहा। और हम लोग 1100 रुपया क्विंटल अभी बेचने के लिए मजबूर हो रहा है, जो धान को झड़ाई के लिए हम लोग बेच रहे हैं अभी उसी रेट में 1100 रुपये के। क्योंकि झारखंड सरकार ने खरीदने के जो सेंटर है सरकारी, जो होना चाहिए और जो MSP मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। और इसलिए किसान मजबूरी में बहुत कम दाम में अभी अपना धान को वो बेच रहे हैं, इसलिए कर्जा में डूब रहे हैं। MSP उनको सही मिल नहीं रहा है। किसान धान को साफ सुथरा सूखा करके रखे, क्योंकि नमी अभी बहुत ज्यादा है। हम लोग देख रहे हैं व्यवहारिक तौर पे नमी 25-30% है, जबकि हमें खरीदना 17% पे है। तो सेंटर तो यहाँ पे 18 अब तक खुल चुकी है। धान नमी के चलते हम लोग खरीद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए किसान से आग्रह है कि धान साफ सुथरा सूखा रखें और हम लोग धान खरीदेंगे। बिहार में समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर शहर के सैकड़ों युवाओं ने रैली निकालकर पूरे शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने स्थानीय सांसद और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि रोसड़ा अनुमंडल को जिला बनाने की वर्षों से मांग की जा रही है। वर्ष 1994 में जिला को जिला का दर्जा देने की घोषणा भी की गई, लेकिन घोषणा के बावजूद आज तक जिला का दर्जा नहीं मिल सका। जनप्रतिनिधियों ने यहां के लोगों को ठगने का काम किया है। इसी को लेकर शहर के युवा अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है, जो आगे भी जारी रहेगा जब तक जिला का दर्जा नहीं मिल जाता। बाइक रैली इसलिए निकाला गया कि काफी टाइम से 1994 से जब हम बचपन में थे उस समय से सुनते आए हैं कि रोसड़ा जिला होगा। कई बार घोषणा होकर के भी रोसड़ा जिला नहीं हो पाया। जब मैं यहाँ पे आया, मैं बाहर नौकरी करता था, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा, एक दिन यहाँ पे प्रोग्राम था नगर पालिका में, हमारे सांसद महोदय आए हुए थे, उनसे जब हमने मांग रखी तो उन्होंने कहा कि अपनी व्यवस्था दिखाई उन्होंने। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ के युवाओं को जगाना है, यहाँ के जनता को जगाना है और इस रोसड़ा के लिए हमको इसको जिला बनाने के लिए लोगों को अपने साथ करना है। और उसी आह्वान में हमने आज एक यहाँ पे रैली रखी हम लोगों ने मिल करके, और हम सभी युवा भाइयों से अपील करना चाहते हैं और यहाँ रोसड़ा के सभी वासियों से अपील करना चाहते हैं कि आइए हमारे साथ में। यहाँ कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई जाति पात कुछ नहीं। झारखंड में गिरिडीह को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से डुमरी स्थित किसान भवन में जनप्रकाश फाउंडेशन और डुमरी मीडिया टीम की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गिरिडीह जिले के सुदूर गांव में जहां के लोग टीबी रोग से अनभिज्ञ हैं, उन लोगों को टीबी रोग की जानकारी देते हुए उन्हें चिन्हित कर समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इसकी शुरुआत 2018 के जनवरी माह के पहले सप्ताह में डुमरी के सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र टेसाफुली गांव से की जाएगी। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा गिरिडीह में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन के बीच सेतु बनाने के लिए कई टिप्स दिए गए।
बताया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता सत्ता और समाज को जोड़ने के लिए एक कड़ी हैं। इसे मजबूती प्रदान करने की व्यापक योजनाएं बनाई गई हैं, जिसके तहत कार्यकर्ता ही सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे तथा इसमें कई राजनीतिक चुनौतियां भी आएंगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी में सरकार के जो कार्य हैं उसके समाज के बीच में ले जाने के लिए, समाज की भावना को सरकार तक पहुंचाने के लिए, हमारे जो कार्यकर्ता जो मध्यस्थता का काम करते हैं, बीच में सेतु का काम करते हैं, उनको सक्रिय करके और सत्ता और समाज को एक साथ जोड़ने की व्यापक योजना बनाने का काम हम कर रहे हैं। दुष्प्रचार करने वाले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, तो गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक हलचल करने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब करना और भारतीय जनता पार्टी और उसकी चलने वाली केंद्र और प्रदेश की सरकारों की समाज के हित में चलने वाले कार्यों को जनता तक पहुंचाना, इसके लिए एक व्यापक तैयारी हमने शुरू किया है। आज उसी की तैयारी के यह कार्यक्रम हो रहा है। झारखंड में मानव सेवा के लिए तत्पर लक्ष्य परिवार का सोमवार क्रिसमस डे के अवसर पर एक महत्वपूर्ण बैठक जमुआ प्रखंड परिसर में संपन्न हुई। बैठक में समाज हित और मानवता के सरोकार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने लक्ष्य परिवार को घर घर में पहुंचाने का संकल्प दोहराया। संगठन गाँव और मोहल्लों का दौरा कर लोगों को संगठन के उद्देश्य कार्यशैली को लेकर जागरूक करेगा और लोगों को संगठन से जोड़ने का कार्य करेगा। सदस्यों ने निर्णय लिया कि फरवरी माह में एक वृहद निःशुल्क आई कैंप का आयोजन जमुआ में करेगा, जिसमें निहायत ही जरूरतमंद और असहाय लोगों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन संस्था के द्वारा कराया जाएगा। कैंप में मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन, निःशुल्क भोजन, बेड, निःशुल्क दवाइयां और चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। विभिन्न गाँव में घूमकर वैसे गरीब लोग जो अपना इलाज खुद नहीं कर पा रहे हैं, मोतियाबिंद है जिन्हें, उनका यहाँ हम लोगों ने फ्री में ऑपरेशन करने का विचार रखा है। लक्ष्य परिवार की एक बैठक आहूत की थी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा हुई और अंत में इस निर्णय पे पहुँचे कि अगले महीना में हम लोग गरीबों के लिए मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन जमुआ के कोई स्थल पे किया जाएगा, जिसमें हम लोग जो पिछड़े तबके के लोग हैं, गरीब हैं, जो अपने से अपने आँख के इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग मोतियाबिंद कैंप लगाएंगे और गरीबों का ऑपरेशन करवाएंगे, फ्री में दवा दिलाएंगे और अच्छा व्यवस्था रखूंगा। बिहार में नौतन प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र और योगापट्टी प्रखंड संसाधन केंद्र के सामने समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर प्रारंभिक शिक्षक संघ नौतन इकाई ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का पुतला दहन किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार से उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। समान काम के लिए समान वेतन हेतु हमारा संगठन वर्षों से संघर्षशील है और आज हम लोग नीतीश कुमार के द्वारा जो हमारे विरोध में समान काम के समान वेतन के विरोध में SLP जो उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया है, उसके लिए हम सब यहां एकत्र होकर के नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं कि वो अपना SLP वापस लें और शिक्षकों को सम्मानपूर्वक समान काम और समान वेतन का लाभ दें। आप क्या हैं? हम जिला के संयुक्त सचिव मैनेजर हजरा पश्चिम चंपारण इकाई से नौतन प्रखंड में अभी पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के खड़गवा विकासखंड के रतनपुर कोटिया जिल्दा भरदा में 2 दर्जन से अधिक हाथियों के पहुंचने से ग्रामीण दहशत में हैं। दरअसल बीती रात रतनपुर से लगे ग्राम पंचायत चोपन के गेल्हा पानी पारा में ग्रामीणों ने हाथियों के चिघाड़ने की आवाज सुनी। कुछ ग्रामीण हिम्मत करके अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक हाथी जंगल में घूम रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा इस बात की जानकारी तुरंत वन अमले को दी गई। इधर खबर मिलते ही खड़गवा थाना प्रभारी शशिकांत टंडन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दल में 25 हाथी शामिल हैं। कुदमुरा दल के यहां हाथी कटघोरा वन मंडल से आए हैं, इसकी पुष्टि सरगुजा वनवृत्त ने की है। मौके पर कोरिया कलेक्टर व वन अमला लगातार स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। इधर इतनी तादाद में हाथियों के पहुंचने से ग्रामीण दहशत में है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध कोयला परिवहन पे कार्रवाई का आदेश दिया गया था। इसी कार्यक्रम में दिनांक 22/12/17 की रात लगभग 9 बजे हमें मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर के द्वारा कोयले का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर कोरिया चौकी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके पर उस ट्रैक्टर को पकड़ा गया।
और उसमें पूछताछ करने पर उनके पास कोई भी कागजात उसका नहीं दिखाया गया। इसमें लगभग 2 टन अवैध कोयला पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और इसमें CRPC 40(1)(4) एवं IPC 379 की धारा के तहत कार्रवाई किया गया है। इसमें ड्राइवर जो था अमर पंडो, ये चित्ताझोर पोड़ी का निवासी है और इसमें अज्ञात इसमें कोई नंबर भी नहीं था और बाकी आगे पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के गोदरीपारा स्थित संगीत भवन में पहली बार प्रदेश स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली से आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष SM तोमर सम्मिलित हुए। कोरिया जिले के जिला अध्यक्ष राकेश महौत एवं प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मानव का अधिकार क्या है और हम अपने अधिकार के लिए किस किस क्षेत्र में अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, मानव के मौलिक अधिकार क्या है, उसके बारे में दूर दराज से आए हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में मानवाधिकार एसोसिएशन का गठन किया गया। 14 मई 1993 को भारत के संसद भवन में मानवाधिकार बिल पेश किया गया और 28 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कानून के बारे में हर मानव को जानना जरूरी है। चिरमिरी में आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि चिरमिरी को जो गरीब महिला हैं, गरीब बच्चे हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता, ये बच्चे दर दर भटकते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, संतरियों के पास जाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता, सिर्फ दलाली होती है। इसलिए हम लोग जो है इस संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। कोई भी गरीब बच्चा, यदि कोई भी महिला हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी मनुष्य हो, अगर हमारे पास आता है और ये बताता है कि पुलिस हमको परेशान कर रही है, हमारा बात को नहीं सुन रहा, तो हम इस संगठन के माध्यम से उसको कार्य उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। तभी प्रशासन पुलिस प्रशासन के DSP मैडम को भी आमंत्रित किया है, हमने चिरमिरी के CSP को आमंत्रित किया, हमने चिरमिरी के SDM को आमंत्रित किया, हमने नवनियुक्त कमिश्नर को आमंत्रित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी 12 बजे तक सारे लोगों की आने की प्रबल संभावना थी। उन्होंने फोन से बातचीत हुआ, 12 बजे के लगभग उन्होंने फोन कर दिया कि आज चिरमिरी में कोरिया में जो है हाथियों का दल घुस गया है और हम सब उसके बचाव में जा रहे हैं, ऐसा बोल के। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये लोग जो है संगठन में आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण जो है प्रशासन से ही होता है और ये लोग अपने को बचने के लिए जो है एक बहाना बनाते हैं। हमारा आज मुख्य आने का उद्देश्य है, मैंने 2016 में अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से वादा किया था कि मैं चिरमिरी आऊँगा और 2017 खत्म होने के पहले आऊँगा, जन जागरूकता और लोगों को ये बताने के लिए कि हम इस देश के मालिक हैं। जो इस ज़िले का कलेक्टर बैठा हुआ है, इस ज़िले का SP बैठा हुआ है या इस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट जज बैठा हुआ है, ये तीनों लोग जनता के नौकर हैं और जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। ये जनता को पता चलना चाहिए, यही एहसास कराने के लिए, लोगों को बताने के लिए आया हूँ। झारखंड के गुमला शहर में एक पटाखे की दुकान में आग लग जाने से लगभग 50 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं इस हादसे में दिलीप कुमार भाजपा कार्यकर्ता निर्मल व सत्यनारायण पटेल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लोगों ने आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज चल रहा है, जिसके बाद घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड व थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि क्रिसमस पर्व में फटाके की बिक्री करने के लिए दुकान सजा रहे थे, तभी बिजली की लूज तार में शॉर्ट सर्किट होने लगा और देखते ही देखते पूरे दुकान में आग पकड़ ली, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। प्रशासन को थोड़ा सा तत्परता दिखानी चाहिए। जिस तरह से मौके वारदात पर प्रशासन आधे घंटे पौन घंटे विलम्ब से आती है, तो उससे उसके आने से और अग्निशामक का जो गाड़ी का लापरवाही कही एक तरह से आधा घंटा एक घंटा शहर के बीचों बीच में अगर उतना देरी से आती है, तो ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। मैं चाहूँगा कि प्रशासन ऐसी घटना पर तुरंत एक्शन ले और तुरंत इस तरह का जो घटना घटती है वहाँ पर कार्रवाई पहले से उनको सोच के रख के उसको कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में बेतिया जिले के चनायन बांध के जनवितरण दुकान में राशन लेने आए महादलित उपभोक्ताओं के साथ 2 माह के राशन के बजाय 1 माह का राशन देने पर दुकानदार विवेक कुमार शाही और उपभोक्ताओं के मारपीट करने का मामला थाना पहुंच गया है। दुकानदार विवेक शाही ने राशन लेने आए उपभोक्ताओं के खिलाफ आवेदन दिया है कि वही उपभोक्ताओं में दर्जनों दलित महिलाओं के साथ लेकर आए पंचायत समिति सदस्य आलोक मांझी तथा फैक्स अध्यक्ष रविकांत शाही उर्फ लोकेश कुमार शाही ने भी फैक्स दुकानदार के विरुद्ध थाने में अलग अलग आवेदन दिए हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि दुकानदार 1 माह का राशन देकर 2 माह का कार्ड पर
चढ़ा रहे थे। पूछने पर उपभोक्ताओं को पीटकर भगा दिया। इस घटना के बाद दोनों तरफ से तनाव का माहौल देखा गया है। थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि फिलहाल मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश के हजारीबाग शहर में हाई सीसी बाइक चोरी की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले दिनों पुलिस ने चोरी के 4 मोटरसाइकिल बरामद किए थे। इसी कड़ी में आज पुलिस ने चोरी के 6 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने चौपारण थाना के सिघराव निवासी राजा और उसके 2 मित्रों को हजारीबाग से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। चोरी की बाइक जो शहर में चल रही है और ये माना जा रहा है कि उन्हीं से ये अपराध हो रहे हैं, इसको लेकर के विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते भी नहीं बीता है कि हम लोगों ने 4 अपाची मोटरसाइकिल बरामद किए हैं और फिर अभी हम लोगों ने 6 अपाची और 1 KTM ड्यूक बरामद किया है। सभी चोरी के मोटरसाइकिल हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये बरामदगी हम लोग करेंगे और जो अपराध जिसके कारण जो हो रहा है इन चोरी की मोटरसाइकिल से उस पर भी नियंत्रण हो पाएगा। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। झारखंड के लोहरदगा के सलगी गांव में रविवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को परिजनों द्वारा तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। युवक के पेट में गोली लगी है। घटना को आपसी रंजिश में अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। बहरहाल पुलिस इस गोलीकांड की गहनता से जांच में जुट गई है। बोला लेना धान दो अब कह के और कहना हम लाइन दो थियो पार कर दो थियो ढोड़ा पार और तो ले गुने से हम लाइन दो थियो कह के ठीक बोला लेना टीवीए सुतरल कर मारिए। अब पहले पुराना दुश्मनी कुछ था? पुराना दुश्मनी तू मन से तो चिन्हाने जाना नहीं तो यहाँ चापी ने आलो ना आलो प्रसाद से दुश्मनी। अच्छा कुछ हुआ था? अजना साहु से। आपकी बच्ची के साथ कुछ हुआ था? हाँ हमारी बेटी के रेप है और वो लड़की भी है थी 5 महीना के भेज केस पर निकल बिना गवाही के जेल से निकल भेज। बिहार के समस्तीपुर जिले में इन दिनों लगातार हो रही आपराधिक वारदातों ने आम लोगों में डर पैदा कर दिया है। वहीं अपराधियों के बढ़ते हौसलों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सुबह हसनपुर थाने के सिरसिया गांव में अपराधियों ने एक कमला मुखिया नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं देर रात ताजपुर थाना के रजवा गांव में एक युवक को अपराधियों ने पहले बुरी तरह पिटाई की फिर गोली मारकर जख्मी कर दिया। युवक की पहचान मोहम्मद आरजू के रूप में की गई है। घायल युवक को इलाज के लिए समस्तीपुर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए DMCH रेफर कर दिया गया है। घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। इस मामले में सदर DSP मोहम्मद तनवीर का बताना है कि बाइक लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिस कारण युवक की पहले पिटाई की गई फिर उसे गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। रजवा का मामला है, यहाँ आपसी रंजिश में एक व्यक्ति के द्वारा इनको मारपीट किया गया है। आरजू नाम है इनका। स्थानीय लोग स्थानीय अगल बगल के ही हैं जिनको नामजद किया गया है, उनके द्वारा मारपीट किया गया है और गोली बताया गया, अभी तो मैंने देखा नहीं है बट बताया गया कि इनको गोली लगी है। तो ऐसे में इनके बेहतर उपचार के लिए चिकित्सालय में भेजा जा रहा है। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बाइक लगाने को बता रहे हैं, इनकी मम्मी से जैसी बात हुई तो बताया गया कि बाइक लगाने को लेकर विवाद हुआ और उसमें मारपीट की घटना। तो उसमें अब तक किसी की गिरफ्तारी वगैरह नहीं होता? गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। झारखंड में जामताड़ा के सकलपुर गांव में आपसी विवाद में एक महिला पर बम फेंकने से महिला घायल हो गई है। गांव में जमीन विवाद को लेकर गोविंद मंडल द्वारा सहदेव मंडल की पत्नी विमली देवी को बम मारकर घायल कर दिया है। विमली देवी को बम के छींटे लगने से चेहरे बुरी तरह जल गए हैं। घायल बिमली के भतीजे ने बताया कि उसकी चाची तालाब से घर आ रही थी, उसी समय बांस के झुंड में पूर्व से घात लगाए लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अचानक बम की आवाज सुनकर परिवार के लोग जब दौड़कर पहुंचे तो देखा कि महिला जमीन पर गिरी हुई है, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए जामताड़ा भेज दिया। वही कर्माटान पुलिस को आवेदन देकर उचित कार्रवाई के लिए मांग की है। बम फेंक करके बिमली देवी
को घायल कर दिया है पूरी तरह से। क्या मामला था? जमीन का विवाद। गणेश चंद्र मंडल ने एक आवेदन दिया है जो सकलपुर का है कि उसके चाची को घायल कर दिया है, बम से मारने का आरोप उन्होंने लगाया है। जांच करने बाद कार्रवाई की जाएगी। उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, तो महिला को अस्पताल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में चल रहे विकास कार्य और ग्रामीणों में घटते नक्सल दबाव से बौखलाई माओवादियों का उत्पात जारी है। अब तक शासकीय निर्माण कार्यों में लगे वाहनों को निशाना बना रहे थे, लेकिन रविवार देर शाम नक्सलियों ने एक निजी चार पहिया वाहन को अपना शिकार बनाया है। कोंटा थाना क्षेत्र के फड़ीगुड़ा के पास नक्सलियों ने कोंटा से सुकमा की ओर जा रही स्कॉर्पियो वाहन में आगजनी की है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन सुकमा की बताई जा रही है। भद्राचलम से मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे। चिखलगुड़ा और फंदीगुड़ा के बीच नक्सलियों ने वाहन को रोक लिया और सवार सभी यात्रियों को वाहन से उतरवा दिया। बिना कुछ बोले नक्सलियों ने वाहन पर डीजल छिड़क कर आग लगा दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।